फिलहाल दोस्तों यहां पर स्टैंड अलोन अभी तक कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है सिवाय IRCTC के जो ऑनलाइन रेलवे की रिजर्वेशन एप्लीकेशन है या वेबसाइट। फिलहाल रेड बस का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी कि मेक माई ट्रिप की ये एक ऐप है जो कि स्टैंड अलोन है इंटरसिटी या इंटर स्टेट बस सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए। आप यहाँ पर रेड बस पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं किसी भी स्टेट सर्विसेज बस का या फिर इंटरसिटी बसेस का। अब इसी ने एक स्टैंड अलोन रेलवेज ऐप बनाया है जिसको लॉन्च कर दिया है एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही स्टोर पर। इसका नाम है रेड रेल। अब इसको क्या मिलेगा आपको इसमें फायदा और क्या है इसकी सर्विसेज, कैसा रहेगा इसका एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो रेड बस ने स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रेड रेल लॉन्च कर दिया है जिसको कि गूगल प्ले स्टोर एप्पल ऐप स्टोर से जाकर इंस्टॉल किया जा सकता है। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको सिवाय रेलवे से जुड़ी हुई सर्विसेज के कुछ और नहीं मिलेगा, इसीलिए ये सर्विस या ये एप्लीकेशन बेस्ट हो सकती है। आपको बता दूं कि 10 लाख से ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसी को ध्यान में रखकर रेडबस ने ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें कि सर्विसेज बहुत इजी है, आसानी से आप अपनी सर्विसेज को ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पर और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेडबस इंस्टॉल करेंगे आप तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप नीचे की तरफ जो बार दिया है उसमें आपको बिल्कुल राइट साइड वाला कॉर्नर मिलेगा जिस पर कि आप क्लिक करके अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल से भी या फिर गूगल या फिर फेसबुक के अकाउंट से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, जो भी आपकी विश हो उस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। नहीं भी चाहते हैं अकाउंट बनाना तब भी आप PNR स्टेटस वगैरह रेलवे का स्टेटस चेक करने के लिए तो कम से कम इसे चेक कर ही सकते हैं। आप आइए मेन पेज पर नीचे टैब पर जाइए, फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। आप यहां पर किसी भी दो स्टेशन के बीच में चलने वाली रेल का जो रिजर्वेशन है वो चेक कर सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड जो भी आप स्टेशन के बीच में ट्रेन देखेंगे उन सब में कौन कौन सी सीट किस किस क्लास में इस समय अवेलेबल है या फिर जो वेटिंग लिस्ट चल रही है वो कितनी चल रही है और नॉर्मल क्या वहां पर क्या किराया है वो भी आपको हैंड टू हैंड दिखाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है, इस तरह का एक्सपीरियंस आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन पे नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं PNR स्टेटस चेक करना तो वो भी आप चेक कर सकते हैं इजिली। अगर आप चाहते हैं कि दो स्टेशन बजाय कि आप किसी स्टेशन का लाइव स्टेटस चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपने रिजर्वेशन किया हुआ है और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं आप कहीं पर घर पे या होटल में बैठ के, तो आपको देखना है कि वो ट्रेन अभी कहां पर पहुंची है, तो लाइव भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रेन का नाम डालिए, नंबर डालिए और बस उसका स्टेटस आप देख सकते हैं कि जहां पर अभी आपको पहुंचना है वहां कितनी देर में पहुंचेगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यहां पर इजिली मिल जाएंगी। आपको अकाउंट बनाने के बाद रिजर्वेशन करने के लिए ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिल जाएंगी ट्रांजेक्शन की, जिसमें कि कार्ड की सर्विस हो, नेट बैंकिंग हो या फिर दूसरी जो पे एप्स हैं उनका भी इस्तेमाल आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। समय समय पर आपको यहां पर मिलते रहते हैं डिस्काउंट के कूपन्स वगैरह जिनका इस्तेमाल आप ट्रांजेक्शन के समय कर सकते हैं ताकि आपको कुछ छोटी मोटी छूट भी मिल सके। अगर मान लीजिए आप जो आपकी जो टिकट है वो कैंसिल करना चाहते हैं तो इजीली आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। फिलहाल ये लिमिटेड ऑफर है क्योंकि अभी शुरुआत में एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, तो जब तक ऑफर चल रहा है तब तक आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज कट किए हुए पूरा का पूरा पैसा वापस भी ले सकते हैं रिजर्वेशन कैंसिल करने की कंडीशन में। तो आप एक्सपीरियंस कीजिए, इंस्टॉल करके देखिए क्या आपको ये फायदेमंद लगी। मुझे तो लगी दोस्तों, इसलिए आपको ये वीडियो बना के बता दी है। बाकी इसी तरह की कुछ और भी एप्लीकेशन जो आपके काम की होंगी आएंगी मार्केट में तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।